मैं कई साल से आता हूं, तो मैंने अदनान अफजाल को एक फूल की तरह खिलते हुए देखा इन मुशायरों में, और अब उस फूल से तख्लीकी खुशबू भी आने लगी है, फिक्र व फन से उसकी समझ भी जाहिर होने लगी है। तो मियाँ अदनान अफजाल, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो ये रात भी अब रात बनेगी। बहुत शुक्रिया मंसूर सवानी साहब। जनाबी सर की इजाज़त चाहते हुए एक मतलब और एक शेर है कि दिले मुस्तर तलाश करता है, दिले मुस्तर तलाश करता है, खुद सा खुद सर तलाश करता है। वाह, दिले मुस्तर तलाश करता है, क्या जब शख्स है मुझे पाकर, क्या जब शख्स है मुझे पाकर, मुझसे बेहतर तलाश करता है। क्या कहना है। वाह, क्या जब शख्स है मुझे पाकर, मुझसे बेहतर मुझसे तलाश। बेहतर तलाश करता है। इतनी तेजी से उम्र ढल रही है, इतनी तेजी से उम्र उम्र ढल ढल रही रही है, है। लग रहा है कि फिल्म चल रही है। वाह, इतनी तेजी से उम्र ढल रही है, लग रहा है कि फिल्म चल रही है। वाह 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 मैं लबों से लगा रहा था उसे, वाह, मैं लबों से लगा रहा था उसे, वो तो तस्वीर से निकल रही है। मैं लबों से लगा रहा था उसे, वो तो तस्वीर से निकल रही है। आ भी जा मर गे ना कहानी अब, आ भी जा मर गे ना कहानी अब, जिंदगी कुछ दिनों से खल रही है। आ भी जा मर गे ना कहानी अब, जिंदगी कुछ दिनों से खल रही है। एक गजल के चंद अशआर। इरशाद। आरजू का निशान ही ना रहा, आरजू का निशान ही ना रहा, दिल को अब तेरा ध्यान ही ना रहा। वाह, आरजू का निशान ही ना रहा, दिल को अब तेरा ध्यान ही ना रहा। आ गया खुद में दरमियान अपने, आ गया खुद में दरमियान अपने, जब कोई दरमियान ही ना रहा। आ वाह गया खुद में दरमियान अपने, जब कोई दरमियान ही ना रहा। और एक फकत मान था उसे मुझ पर, वाह, एक फकत मान था उसे मुझ पर, फिर हुआ यूं वो मान ही ना रहा। एक फकत मान था उसे मुझ पर, फिर हुआ यूं वो मान ही ना रहा। किस कदर दिल फरेब रस्ते थे, किस किस कदर दिल कदर दिल फरेब फरेब रस्ते थे। रस्ते थे, फासिलों का गुमान ही ना रहा। वाह, किस कदर दिल फरेब रस्ते थे, फासिलों का गुमान ही ना रहा। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत अच्छे शेर सुनाए अदनान अफजाल ने, और ख़ास तौर से हमारे जो छोटे भाई और बच्चे बैठे हैं वो बहुत महसूस हुए, होना भी चाहिए था, इसलिए कि वो शेर नहीं सुना रहे थे, इश्क की नई परिभाषा बता रहे थे। और जाहिर है कि नए बच्चों को नए तरीके से इश्क करना चाहिए।